बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी। आप लोग बना के देखिएगा और खाइएगा तो कमेंट्स में आप जरूर बोलिएगा। हाय गाइस, ब्यूटी गाइड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बना रहे हैं नूडल्स स्प्रिंग रोल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बॉइल हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम लोग, थोड़ा सा तेल डालेंगे, नूडल्स मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसको ड्रेन किया है और उसके बाद ठंडा पानी डाला है और इसको अभी मैंने रेडी हो गया। ये मैं 2 स्पून ऑयल डाल रही हूँ, तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद मैंने ये गार्लिक डाल रही हूँ गरम तेल में। इसको थोड़ा सा सॉटे करना है। ये कैरेट, ये मैंने पहले ऑलरेडी काट के रखा हुआ था, ये मैंने कैरेट डाला है, कैप्सिकम डाला है, इसमें कैबेज भी डालते हैं, आज मेरे पास नहीं था तो आप लोग डाल सकते हो। ये पिसा हुआ पेपर थोड़ा सा डालना है स्वाद अनुसार। ग्रीन चिली, अगर तीखा ज़्यादा खाना है तो 2 स्पून आप डाल सकते हो। 1 स्पून रेड चिली, 1 स्पून टमाटो केचप, अभी इसमें आप नूडल्स डाल दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख रहे हैं, ये रेडी हो गया। ये सीड्स बाजार में रेडी मिलती है, ये मैं लेकर आई हूँ। और इसमें मैंने ये जो मैंने बनाया है इसके अंदर हम लोग रखेंगे। ये मैंने मैदे का थिक पेस्ट बनाया हुआ है, आप चाहें तो कॉर्न स्टार्च भी थिक पेस्ट बना सकते हैं। और इसको ना साइड से लगाना होता है, नहीं तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो खुला नहीं चाहिए। इसको ऐसे फूल करना है, और इसको घुमाते जाना है। कुछ मुश्किल काम नहीं है, ये अपना बन गया रोल। ये देखिए, अभी हम इस ये मैंने 3 तरह से ट्राई किए हैं। एक बनाया है ये रोल, मेन ये रोल होता है, ये पहली बार मैंने ट्राई किया जो मेरे से बना नहीं, ये 3rd टाइम पे रोल बना है। अब हम इसको थोड़ा सा तवे के ऊपर हम लोग सेकेंगे, थोड़ा ऑयल डाल के हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे डालेंगे। मैंने सेलो फ्राई करना है,
गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम ये रेडी हो जाएगी।